जय माता जी। इसमें खड़ा है बेलो, तीन बलून चल रहा है ये अभी मेरे में 85 से 87 वजन है। क्यों ना कि चित्ता की खेती के आस पास ये चल रहा है हमारे राम लखन। इतना वजन है और इतना हाथी भी फंस रहा है और बारिश की वजह से खेत का भी पूरा कर दिया दवाई खाद और ये निकालने के लिए, तो ये खेत का भी पूरा कर दिया है सब। ये चल रहा है अभी, तो देखो अभी 1 घंटा से हाल चल रहा है इसमें। तो किसान और बैलों का तो जहाँ बारिश नहीं है वहाँ है नहीं, और जहाँ बारिश है वहाँ बहुत बारिश है। 2 मंथ लगातार हुई थी, अभी बंद हुई है 2 मंथ के बाद। तो ऐसा है भाई साहब, मेरे में ये सड़ार चल रहा है। देखो ये अभी तो गीली माटी है क्योंकि, लेकिन इसको ये 3 बलून में चलाएगा ना, तो सुबह से चलता है तो शाम तक में मेरे हिसाब से 35 बीघा तक चला ही देगा। लेकिन साथी पे खड़ा रहेगा ना, पीछे वाला आदमी नहीं चल सकता। ये बहुत अभी खुश रहा है साथी जी, बैल भी खुश रहा, फंस रहा है इसमें। गीला भी बहुत है, गीला भी बहुत है। भाई साहब बेलो रखेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा इसमें, लेकिन जो किसान ट्रैक्टर चला रहा है ना उसमें बहुत नुकसान हो रहा है। अभी भी कोई कोई ट्रैक्टर चला रहा है, हमारे पास में एक अभी चला रहा था इसी से ट्रैक्टर, तो थोड़ा ही चला के बाद में मैं वहाँ दिया और देखा तो वो वापस लेके ट्रैक्टर चला गया, ये तो नहीं चलने वाला। तो ऐसा है भाई साहब, किसान बेलो रखेंगे ना तो किसान भी जिंदा रहेगा, जमीन भी जिंदा रहेगी और गाय भी बचती रहेगी और बैल भी बचता रहेगा, और किसान को भी कैंसर डायबिटीज कुछ नहीं होगा। बहुत लोग को कैंसर होता है हमारी साइड, ये गुजरात विश्व में 1 नंबर पे कैंसर में आ गया है। पहले पंजाब था, अभी हमारा गुजरात आ गया, क्योंकि किसान को काम ही नहीं करना। ऐसे बैलों रखते हैं तो किसान को भी जिम में नहीं जाना पड़ेगा और बैलों को भी नहीं जाना पड़ेगा और बीमार भी नहीं होगा। अभी का किसान कोई काम नहीं करना। हमारे जीप को देखो इधर, साथी चलाने के लिए देते हैं, नहीं चला सकते, गिर जाते हैं। वो मैं उसको देता हूँ तो गिर जाते हैं, वो बोले नहीं चलेगा। देखो ये हमारे शेरों चल रहा है, चलाओ। और हाथी भी देखो इतना ऊपर रहता है। हेलो हेलो, फावदू वाह, बस देखो ये बॉर्डर आती है ना, हमारे हेडा बोलते हैं, तब इसको थोड़ा गोबर करना देना चाहिए, पेशाब कर देना चाहिए, पेशाब करते हैं वही किसान होता है। क्योंकि इतना सड़ा हमारे में 87 के आसपास वजन है और इतना साथी, और ये लेके चलना भी बड़ी दिक्कत की बात होती है। सुबह से शाम तक चलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई बस की बात नहीं, हर बैल भी नहीं चला सकता। क्योंकि मेरा वजन 6.5 फुट है और 90 किलो के आसपास वजन है मेरा, यानी कि 87, 85 के 90 इतना होता है मेरा वजन। तो ये शेरों हमारा शेरों ही चलता रहता है। देखो खड़े है तो शेर खड़े, ये शेर खड़े है, अभी तो ज्यादा नहीं चलेगा। देखो ये पतला भी भूत लग गया है सींग का, तो भी इसमें कोई साथी नुकसान नहीं करता। और ट्रैक्टर से चलाएगा ना तो पूरा सत्यानाश हो जाता है। देखो और हमारा शेर देखो खड़े है ऐसे, लेकिन इसको थोड़ा हर बॉर्डर पे थोड़ा आराम देना चाहिए, 2-3-5 मिली ये बॉर्डर पे, सामने लंबी बॉर्डर लंबा सेटा होगा तो और बॉर्डर पे ही देना पड़े। कि वह तो चलता रहेगा, वो तो रुकेगा नहीं। काकरेज से महान ताकत वाले बैल है, काकरेज गाय और बैल जैसा कोई, इसको 3 दिन खाना नहीं मिलेगा, 3 दिन पानी नहीं मिलेगा ना तो भी इसको कुछ होता नहीं। ये
ये कांकरेज से हम कांकरेज भेजते हैं हैदराबाद बेंगलोर कश्मीर, तो तीन तीन दिन वहाँ वो खाना नहीं खाती ट्रक में, पानी भी नहीं पीती, उसको कुछ होता नहीं। अभी भी वो जो फौजी को दिया ना 2000 किलोमीटर थी, वो तीन दिन तीन नाइट ट्रक चली थी, तो वहाँ पहुँची तो उसने खाना भी नहीं खाया, पानी नहीं पिया, वहाँ घर जाके वो भी दूसरे दिन खाना खाया, चार दिन बाद खाना खाया, चार दिन बाद पानी पिया, तो भी काकरेज को कुछ नहीं हुआ, बीमार भी नहीं, वहाँ गिर होती तो मर जाती। हड़प्पा हड़प्पा। और दूसरा एक दूसरा मैं आपको एक बोलता हूँ, कौन सा देश है वो बताता हूँ, हम तो वीडियो ही बनाएंगे। धूप भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है, और हमारा शेर भी खड़ा है, क्योंकि शेर भी इधर खड़े हैं। और मैं आपको बताता हूँ विदेश जाने के लिए कौन सा देश है, कौन सा पगार है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये जर्मनी है, या ना जर्मनी में हूँ, देखा देखा जर्मनी है। कभी भी वीडियो बनाना बात करना है तो ये बेल होता है ना काकरेज बेल, इसको खुला मत छोड़ो, ऐसे ही पकड़ के रखना साथ में, कभी भी डर जाते हैं तो ये भाग जाएगा तो शॉट लगा देते हैं। हमारे एक लेबर ने ऐसा किया था तो लगा नहीं, लेबर को थोड़ी शॉट लगी थी, बेलों को तो नहीं लगी। ए लखन, इन्हें हमारा राम लखन चल रहा है, और थोड़ा मैं बता देता हूँ, ये जर्मनी जॉब वैकेंसी एग्यूएसन बीएससी नर्सिंग जी एन एम पोस्टर बीएसएससी एमएससी, उसमें पगार है कितना भाई साहब, बहुत पगार है जर्मनी में, 2600 यूरो लेके 3700 यूरो 3600 2,00,000 3,00,000 होगा, 3,70,000 के आसपास पगार है जर्मनी में, और 4,50,000 खबर इसमें ये आपको भरना पड़ेगा। नर्सिंग चाहिए लेडीज और जेंट्स, कोई भी उम्र होगी, और इसमें प्रक्रिया में 8 से 10 मंथ लगेगा। और ये जो सरकारी किसी के पास नर्सिंग का जो होगा, कोई क्या बोलता है तो मेरे को पता नहीं हिंदी में क्या बोलता है, जीएमसी एग्यूएसन बीएससी नर्सिंग जी एम जी एन पोस्टर बीएससी एमएससी आगे लिख लें, नर्सिंग जी एन एम पोस्ट बीएससी एंड एसएससी एजुकेशन बीएससीसी नर्सिंग जीएनएम पोस्ट बीएनसीसी एमएससी, ऐसा है भाई। आप पढ़ा लिखा नहीं है तो थोड़ा वो दिक्कत रहती है, हम तो किसान है और किसान को तो क्या पढ़ा लिखा है ही नहीं। और दूसरा ये मैं थोड़ा नॉर्थ क्या ना नॉर्थ वर्क परमिट नॉर्वे ऐसा भाई है, नॉर्थ नहीं नॉर्वे है, वहाँ थोड़ा कटाव अक्सर नहीं जान सकता, तो ये नॉर्वे ऐसा है, उसमें क्या क्या है मैं आपको बता। नॉर्वे में वर्क परमिट जॉब कैटेगरी फिश फैक्ट्री नौकामदार, वो मछली पकड़ने वाला, मछली होती ना मछली पकड़ने वाला आदमी चाहिए, बहुत पगार है। और ये डीजल पेट्रोल का ऑयल डेपो आता है उसमें भी कामदार चाहिए, और वेयर हाउस वो जो गोडाउन होता है उसमें वेयर हाउस बोलता है, वर्क चाहिए वर्कर चाहिए, और ट्रक ड्राइवर चाहिए, फोर व्हील का भी चाहिए ट्रक ड्राइवर भी चाहिए उसमें। और पगार कितना है मालूम, 3000 यूरो उसमें बहुत पगार है भाई, किसी को जाना है तो 3000 यूरो है उसका, 90 लाख आप लगा लीजिए तो 2,70,000 होता है, 2,70,000। और ये भी नॉर्वे यूरोप का ही दे है, वहाँ आपको 3 मंथ के बाद आपको बीवी को भी मंगवा सकते हैं, लेकिन तो प्रक्रिया समय में लगेगा, उसमें उम्र मैं बता देता हूँ आपको, उम्र मर्यादा 23 साल से 45 साल 2-3 से 4-5, और कामदार नो करार 1 वर्ष, वीजा 1 साल की मिलेगी आपको, रहन कंपनी द्वारा आपसे, खोराक कंपनी द्वारा आपसे, परिवहन कंपनी द्वारा आप, खाना पीना रहना सब कंपनी पे, आपके ऊपर कुछ नहीं, 8 घंटा का वो पगार है। दूसरा क्या बताता हूँ कि आप 3 मंथ के बाद ये वहाँ कोई कार्ड मिल जाता है, नाम मैं भूल जाता हूँ, तो आप बीवी को भी बुलवा सकते हैं 3 मंथ के बाद, बीवी और बच्चे, और इसमें कितना पैसा है वो भी मैं बता देता हूँ, 10 कितना लाख है मैं बता देता हूँ पूरा, इसमें मेरे हिसाब से
8 लाख है, नहीं 10 लाख, कुल कीमत 10 लाख, 10,000 हीरो है तो 10 लाख है। पहले दस्तावेज के साथ आपको 1500 हीरो देना पड़ेगा तो 1.5 लाख, और वर्क परमिट आएगी तब 2 लाख, उसके बाद वीजा एग्रीमेंट सब आएगा तब 6,50,000, और सुकवने समय यूरो ने गणतरी 5 यूरो रुपया, 5 रुपया भारत रुपया ऊपर करवा। ये जाने के लिए भाई सब बढ़िया वेयर हाउस ही तो ऐसा आप भी समझ सकते हैं। मैं तो गुजराती टूटी फूटी जानता हूँ, तो भी पता है गोडाउन होता है उसमें काम करने के लिए वर्कर चाहिए। तो मेरा नाम है रामभाई सिसोदिया, गांव कुणोदर, तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर, गुजरात, भारत, नेपाल में भी बंदा चलेगा, इजिप्ट इसमें चलेगा, बांग्लादेश का भी चलेगा, इसमें सब है, सब चलेगा। आप कोई भी भारत पूरा इंडिया में थे आप कहाँ से फोन कर सकते हैं। मैं इंडिया तो नहीं बोलता, भारत ही बोलते हैं कि हमारा सनातन तो भारत ही था, इंडिया तो अभी अभी कर दिया है पैदा। तो आप यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, कहाँ से भी पूरा इंडिया में से आप कॉल कर सकता है। मेरा नंबर है 9825205389, बरोबर बोले। हाँ नगर, थोड़ा इधर उधर गड़बड़ भी हो जाती है भाई कभी कभी, हम तो किसान लोग है और भी ओरिजिनल किसान है, छोटा मोटा किसान भी नहीं है। और आपको जाना है तो मैं गुजराती में भी मेरा नंबर बोल देता हूँ, 9852053 90, 8952205209 वो नंबर है मेरा, 9852053 90। क्योंकि मैं पूरा हिंदी तो जानता हूँ लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसमें थोड़ा कोई आंकड़ा बोलने में दिक्कत रहती है। सामने सामने होगा तो कोई बोल लेता हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत ड्राइवर था। और किसी का पैसा खा जाने के लिए हम वीडियो नहीं बनाते, ये किसान ही है तो ये बेलो नहीं चलाते। तो ऐसा है, जिसके पास राम लखन होगा वो किसी का पैसा खाने के लिए नहीं बनाते भाई साहब। हमारे को इसमें कोई करोड़ रुपया नहीं मिलता, 50,000 ही मिलता है, ऊपर एजेंसी में मिलती है। और दूसरा, हमारी एजेंसी है यूरोप में, एजेंसी भी तो पैसा कभी किसी का नहीं खा गया। हाँ, थोड़ा इधर उधर टाइम होता है इसमें, क्योंकि सरकारी काम है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तो उसमें 4 मंथ के बदले 5 मंथ ही होता है, कभी 3 मंथ में भी काम हो जाता है, कभी 2 मंथ में हो जाता है, कोई गवर्नमेंट जल्दी करती है, कोई आहिस्ता करती। लेकिन आपका पैसा नहीं जाएगा, वो मेरी जिम्मेदारी रहती है पूरी, या ना पूरी जिम्मेदारी रहती है, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। पैसा खाने के लिए नहीं, मेरे को 1,000 बंदा चाहिए, 1,000 बंदा विदेश भेजना है, वही एक ठान लिया है कि हम अनपढ़ आदमी है ना, पढ़ा लिखा नहीं है तो भी हम विदेश भेज सकता, इसीलिए हम काम कर रहे हैं। पहले तो हम फ्री ऑफ में कर रहे थे, अभी मेरे को 50,000 दे रहा, पहले मैं पैसा नहीं लेता था, क्योंकि मेरे पास गाय है 40, घोड़ा है 12, बेलो है, कुत्ता है, मुर्गा है, सब है, गाड़ी है, मेरे को कोई पैसा खाने की जरूरत नहीं है। 50,000 मिलता है तो वो भी बढ़िया है। और जय माता जी, ये थोड़ा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, तो कोई गरीब लोग भी दे सकता है। और इसमें हमारे कोई एक बैंक है, खेत पे किसान को जाना है तो खेत होता है, किसी को मकान होता है तो लोन भी देते हैं। तो मैं थोड़ा ये भी करवा रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ, कैसे होगा कैसे नहीं वो थोड़ा मैं देख के आपको बताऊँगा। तो साहब भाई साहब जल्दी करना, उसमें ज़्यादा आदमी नहीं है, 25 आदमी है, और ये पूरा उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, लिविंग सर्टी, मैरिज सर्टी, और पासपोर्ट का आगे पीछे वाला फोटो, और आपका फोटो तस्वीर भेजिए आप, ये भी PDF करके। और भी जाना है तो नगर मत भेजना भाई साहब, कोई बहुत लोग ये सब कर रहे हैं कि हमारे जाना है, बाद में PDF करके भेजते हैं, मैं चेक करवाता हूँ, चेक हमारे यूरोप में जाता है, वहाँ से चेक करके एक एक अक्षर आता है, तब बाद में फ़ोन नहीं उठाते, कहाँ बोल देते हमारे जाना नहीं। ऐसा भाई साहब, ऐसा काम होगा तो आप फ़ोन करना, और 1 बजे से 3 बजे तक आप फ़ोन ही मत करना, मैं रिंग बंद करके सो जाता हूँ, दोपहर पे आप घर पे ही मत आना और मैं सो जाता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठता हूँ और दोपहर पे सो ही जाता हूँ। जल्दी नहीं उठता ना तो भी मेरे को दोपहर पे सोना ही पड़ता, नहीं सोएगा तो मैं बीमारी हो जाता हूँ। ऐसा छोटा किसान था तब से मैं आदत है, 10 साल का तब से सो रहा हूँ, तो अभी तो 50 साल हो गया, तो नहीं ऐसा कुछ कर सकता। तो ठीक है, मैं थोड़ा बेल चला लेता हूँ। जय माता जी।